नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरनारायण सिंह। मैं गुड़गांव स्थित एक न्यूरोसर्जन हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि गर्दन के दर्द के क्या कारण होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। गर्दन का दर्द एक बहुत ही कॉमन परेशानी है। किसी भी समय अगर आप कहें तो 20% लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, तो इसीलिए इसका जानना ज़रूरी है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आजकल देखिए, बहुत सारा काम जो है हम बैठ के करते हैं, ज़्यादातर डेस्क जॉब हो गई है, लंबे समय तक बैठना पड़ता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है, फ़ोन का यूज़ होता है। इन सब को देखते हुए आजकल गर्दन के दर्द की परेशानी बहुत बढ़ गई है। मेरे हिसाब से जो गर्दन के दर्द का सबसे बड़ा कारण आजकल स्लाउचिंग है। स्लाउचिंग को हिंदी में कहेंगे तो गर्दन को एबनॉर्मल पोजिशन में झुका के रखना। इसके लिए हम जान लेते हैं कि गर्दन को झुकाने से कैसे परेशानी होती है। देखिए, अगर हम गर्दन को सीधा रखते हैं तो हमारे गर्दन की जो मांसपेशियों की जो टेंशन है वो 4 से 5 किलोग्राम के आसपास की होती है। अगर हम गर्दन को 30 डिग्री झुका लेते हैं तो यही टेंशन बढ़ के डबल हो जाती है, 8 से 10 किलो के आसपास हो जाती है। और अगर हम गर्दन को और झुकाएंगे, करीबन 60 डिग्री तक झुका लेंगे, तो यही टेंशन बढ़ के 25 से 30 किलो के बीच में हो जाती है। तो अगर हम मांसपेशियों पर गर्दन की इतनी ज़्यादा टेंशन डालेंगे तो थोड़े समय में उसमें दर्द होना लग जाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें स्लाउच नहीं करना है, गर्दन को एबनॉर्मल पोजीशन में झुका के नहीं रखना है। कुछ लोग हैं आजकल इस तरह की आदत पड़ जाती है कि हम फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम बैठे हुए गर्दन झुका के फ़ोन को यूज़ करते हैं, कई बार हम लेट के फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमारी गर्दन हर वक्त एक बहुत ही एबनॉर्मल डिग्री पे मुड़ी रहती है, जिसकी वजह से दर्द हो जाता है। इसी दर्द को, जो कि फ़ोन के ज़्यादा यूज़ होने से होती है, इसको एक मेडिकल टर्म में नाम दिया गया है, टेक्स्ट नेक पेन। कुछ लोगों को इस तरह की भी आदत होती है कि वो लेट के किताब पढ़ते हैं या लेट के टीवी देखते हैं या फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो लेट के एक बहुत बड़ा पिलो यूज़ करते हैं जिससे कि गर्दन मुड़ी रहती है, और इस पोजिशन में बहुत ज़्यादा अगर वो रखेंगे गर्दन को तो फिर गर्दन में दर्द हो जाएगा। और कुछ कारण हैं, जैसे कि एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें गर्दन का दर्द बढ़ता जाता है। जैसे हमारे चेहरे पे रिंकल्स होते हैं, हर चीज़ हमारी एज के साथ में चेंज हो रही है, वैसे ही हमारे स्पाइन में भी चेंजेस आते हैं। जो डिस्क है वो सूख जाती है, जो स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं उनमें भी थोड़ा फ्रिक्शन आने लगता है, तो इन सब वजह से जॉइंट्स का दर्द होने लगता है गर्दन में। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से भी जॉइंट्स का पेन और स्पाइन का पेन बढ़ जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं गर्दन की मसल्स की और शोल्डर की मसल्स की, तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको गर्दन का दर्द होगा। तो ये सब तो हुए कारण। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जिन सारे कारणों को कवर करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि गर्दन के दर्द से कैसे बचा जाए। जैसे कि मैंने बहुत जोर दिया कि हमारी बैड पोजिशन, मतलब हमारे गर्दन की एबनॉर्मल पोजीशन के होने की वजह से इस तरह का दर्द होता है, तो स्लाउच ना करें, कोई भी काम ऐसे ना करें कि जिसमें आपको गर्दन को बहुत ज़्यादा बहुत देर तक झुका के रखना पड़ता है। तो अगर आप डेस्कटॉप पे बैठ के काम करते हैं, आपका लैपटॉप पे काम है, तो एक टेबल चेयर पे बैठिए, गर्दन को सीधा रखिए, मॉनिटर को और कीबोर्ड को इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए कि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। अपने बाजुओं को सपोर्ट करके रख सकते हैं, इससे आपके शोल्डर्स पे स्ट्रेन कम हो जाता है और नेक पेन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी आपको गर्दन नहीं झुकानी है, आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकते हैं और फिर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुई सही पोजीशन जिसको हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, और ये हुई एबनॉर्मल पोजीशन। हमें ऐसा नहीं करना है, गर्दन को नहीं झुकाना है, हमें गर्दन सीधी रखनी है और उसके बाद हम अपने फ़ोन को थोड़ा ऊपर ला सकते हैं ताकि हमारी गर्दन सीधी रहे और हम फ़ोन यूज़ कर सकें। यही प्रिकॉशंस जब आप बैठे हुए हैं तब भी लेनी है, और यही प्रिकॉशंस जब आप खड़े हुए हैं फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको ये सब प्रिकॉशंस लेनी है। और अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करना, शोल्डर की एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़रूरी रहते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज कहते हैं और शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ये दोनों मसल्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, दोनों एरिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों का ही एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये सब किस तरह से एक्सरसाइज करनी है घर पे, ये सब डेमोन्स्ट्रेटेड है। और आप इन सब एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप ये प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो आपका गर्दन का दर्द काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा।
गर्दन के दर्द के साथ में कुछ रेड फ्लैग्स, कुछ वार्निंग सिम्टम्स अगर हो तो आपको एक डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अगर आपका गर्दन का दर्द बढ़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ये सब एक्सरसाइज करके पोस्चर करके भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, अगर आपके गर्दन के साथ में बाजू में दर्द आ रहा है, बाजू में कमज़ोरी आ गई है, या हाथ में कोई सुनपन आ रहा है, कमज़ोरी आ रही है, अगर आपको बुखार आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो आपको एक डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। तो ये हमने बात की कि गर्दन के दर्द के क्या कारण होते हैं और किस तरीके से इन दर्द से बचा जा सकता है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मेरी ब्लॉग में पढ़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।